अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने इस गार्डनिंग चैनल पे जिसका नाम है बिगिनर्स गार्डनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेमन प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करना लगाना। बेसिकली लेमन प्लांट की जो कटिंग्स हैं या लेमन प्लांट जो है ये तीन तरीक़ों से लगाया जा सकता है। फर्स्ट सीड्स, सेकंड एयर लेयरिंग एंड थर्ड डायरेक्ट कटिंग। सीड्स बेसिकली जो है वो उससे लग जाती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, फ्रूटिंग उसको फिर बहुत लेट होती है क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट नहीं होता, आप डायरेक्ट सीड से लगा रहे हैं तो इसलिए उसको बहुत टाइम तकरीबन काफ़ी साल लग जाते हैं फ्रूटिंग पे आने के लिए। तो सीडिंग वाला प्रोसेस जो है वो इतना नहीं कामयाब। एंड सेकंड जो हमारे पास आता है वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग बेसिकली ये होता है कि आपका जो भी प्लांट है उसकी आप कोई एक अच्छी सी स्टेम जो है, कोई अच्छी सी ब्रांच यूज़ करें, उसको फिर कट लगा के उसको अच्छे से एयर लेयर कर दें। एयर लेयरिंग बेसिकली मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, तो उसमें मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। थर्ड एंड लास्ट लीस्ट जो इसका है तरीका वो है डायरेक्ट कटिंग्स। डायरेक्ट कटिंग लेमन की जो बेस्ट सीज़न है इसकी कटिंग्स लगाने का वो है मानसून का, जब बारिशें वगैरह होती हैं, और एयर लेयरिंग का भी बेस्ट वही है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों लगा रहा हूँ। मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस कुछ पंगा शंगा ले लूँ कोई, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो कटिंग्स मैंने पहले से काट के रख ली हैं, आप देखे होंगे कि मैंने कुछ को नीचे से जो है छीला हुआ है, कुछ जो है वैसे ही हैं। तो बेसिकली मैं चार तरीक़ों से अलग अलग चार तरीक़ों से ये कटिंग्स लगाना चाह रहा हूँ। मैंने और भी काटी हैं वो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन वीडियो मैं इन चार पे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ज़रा क्लोजअप से दिखाता हूँ। अच्छा, कटिंग लेनी कौन सी है? कटिंग आपने वो लेनी है बेसिकली जो थोड़ी सी ग्रीनिश हो, हार्ड कटिंग लेनी है, ये भी ऑलमोस्ट हार्ड होती है लेकिन ये सॉफ्ट ग्रीनिश जो है वो वाली कटिंग लेनी है, ठीक। ये एक मैंने कटिंग ली, ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको कट लगाया छुरी से, ठीक हो गया, और ये इसको छील दिया, ठीक। अब एक तरीका होता है कटिंग लगाने का, ये जो नीचे से आप देख रहे हैं इसको 45 डिग्री के एंगल से काटते हैं, ठीक है। सॉरी, जूम फोकस नहीं हो पा रहा, हाँ सॉरी, बेसिकली फोकस नहीं जो है वो हो पा रहा, एक मिनट। ये देखे, ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग है, 45 के एंगल पे नहीं काटी, और इसको मैंने छील लिया है। ये हमारी फर्स्ट कटिंग। सेकंड कटिंग भी सेम है, इसको सिर्फ छील दिया मैंने, वो 45 के एंगल पे नहीं लगाया। ये जो हमारी कटिंग है इसको मैंने छीला भी नहीं है, ना मैंने 45 डिग्री पे काटा है। एंड ये थोड़ी सी थिन कटिंग है लेकिन इसको मैंने 45 के एंगल से काट दिया है, ठीक। ये चार कटिंग्स, अब ये चार जो है मैं इनको लगाऊंगा इस पॉट में। मिट्टी मैंने पहले से जमा कर ली है, ओनली गार्डन सॉइल है जो आपके घर में आराम से पाई जाती है, जो मिट्टी आप यूज़ करते हैं। मैंने कोई मिक्सचर नहीं बनाया, सिंपल जो है इसको सॉइल को रेडी किया। अब मैं इसमें होल करूँगा और इसमें अपनी कटिंग्स प्लेस करके इसको पानी दे दूँगा। स्टे विद मी। सो ये जो है मैंने जो है अपनी कटिंग्स लगा ली हैं, आप देखें, थोड़ा सा मैंने जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट पत्तों की खाद डाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली, ठीक है, हल्की सी डाल दी है, और इसको ऐसे पटक दिया। पटका इसलिए क्योंकि जो एयर पॉकेट्स बन जाते हैं वो ना बने, ठीक, इस तरह इसके एयर पॉकेट्स नहीं बन पाएंगे, जो बने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कटिंग लगा दी है, अब मैं इसको दूंगा पानी, अब देंगे इसको पानी, पानी भर के दे देना, और इसको फिर हम रखेंगे शेडी एरिया में। पानी अच्छे से दे दें कटिंग्स को, ये क्योंकि मिट्टी जो थी मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई थी पहले से ही, तो पानी एक दफ़ा अच्छे से भर के दे दें।
अब मैं इसको रखूँगा शेडी एरिया में एंड इसकी मिट्टी को रखना है मॉइस्ट, ताकि इसका जो है ऊपर से उतर ना जाए, मॉइस्चर इसका उड़ ना जाए। तो इसको अब मैं रख लूँगा शेडी एरिया में एंड इंशाल्लाह इसका जो है रिज़ल्ट आपसे मैं जल्द ही शेयर करूँगा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड आप भी अपना नॉलेज जो है मुझसे शेयर करें ताकि मेरे जो है नॉलेज में इजाफा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।